हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अमिता और आज की रेसिपी है पोहे और सूजी का स्वादिष्ट व हेल्दी नाश्ता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें एक कटोरी पोहा ले लिया है। आप कटोरी का कुछ से भी ले सकते हैं और उसे दो तीन बार अच्छे पानी से धो के साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ मैं पानी से इसे इस तरह से धो के साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब पोहा धुलकर साफ़ हो गया है और अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल के और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी, जिससे कि ये सॉफ़्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी चॉप करूँगी। तो सब्ज़ी चॉप करने आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हों वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने प्याज ली है और पत्ता गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो सब्ज़ी पसंद हो, बच्चों को जो सब्ज़ी खाने में अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। तो गाजर और आलू को तो ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये गाजर को लेके ग्रेट कर लिया है और एक आलू को भी इसी तरह से। आप चाहें तो आलू डालें या आलू को हटा भी सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है। तो इस तरह से मैंने आलू को भी यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब आलू में भी थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी, जिससे कि ये काला नहीं होगा। इस तरह से मैंने आलू को भी पानी डाल। अब मैं ले लूँगी एक मिक्सी का जार और उसमें मैं डालूँगी सूजी। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी सूजी ले ली है। इस तरह से कटोरी कप आप कोई भी एक सेट वो वर्क कर लें, जिससे कि आपको बनाने में आसानी। आधा कप दही, आधा कप सूजी मैंने यहाँ पर ले ली है और 5-6 कली लहसुन की और आधा इंच अदरक। गर्मी के दिन है तो अदरक का कम ही उपयोग करें। और 2-3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। बच्चे खा रहे हैं तो फिर मिर्च आप हटा ही दें, हरी मिर्च। और धनिया लिया है। तो यहाँ पे ये सारे मसाले मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। 1 चम्मच नमक लिया है। नमक स्वाद अनुसार आप लें अपने। इधर पोहा भी फूल गया है, इधर ये पोहा भी देख लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से फूल चुका है, अब इसका पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर स्पिनर लगाया है और उसमें ये पोहा डाल देंगे तो पानी निकल जाएगा। इस तरह से सारा पानी निथार देंगे, पोहे को सब छन्नी में करके इस तरह से। और इसको एक तरफ रख देंगे। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी पानी का उपयोग किया है। तो अब इसका एक पेस्ट बना लेंगे बारीक। तो यहाँ पर मैंने इसका एक पतला सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, इस तरह से। न ज़्यादा गाढ़ा है ना ही पतला है, ये इस तरह से। अब इसको एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने सारा घोल एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरह से। और अब मैं पोहा लूँगी और पोहा को अच्छे से मैश करके इस तरह से। इसको इस घोल के साथ मिक्स कर दूंगी। पोहा मैंने नहीं पीसा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा उसको मोटा ही रखना था। आप चाहें तो पोहे को भी मिक्सर में
पीस सकते हैं। तो मैंने पोहे को हाथ से ही मैश करके और इस मिक्सर में मिला दिया है इस तरह से। मैं इसको ढक के रख दूंगी, थोड़ा सा चला के, एक आध मिनट चलाने के बाद मैंने ढक के रख दिया था। और मैं इसको देखूंगी, तो देखिए ये फूल गया है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून खाने का सोडा लिया है और एक नींबू का रस करीब 1 चम्मच के अंदाज से इसमें रस डाला है नींबू का। इस तरह से इसको हल्के हाथ से चलाकर, तो यहाँ पे मैं एक बार ये घोल को अच्छे से पूरा चला लूँगी जिसमें कि सब मिल जाए उसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट उसको चला के ढक के रख दिया था। अब देखते हैं, ग्रेटर फूल चुका है और यहाँ पर सब्जी भी सब कट के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, फूल पत्ता गोभी और प्याज लिए हैं। आप अपनी पसंद से जो सब्जी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, इसको डाइटिंग वाले भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल का प्रयोग नहीं किया है, इसमें दो तरह से बनाया है। एक जगह मैंने थोड़ा ऑयल का प्रयोग किया है और एक जगह, तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिए 1 चम्मच तिली, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, खाने वाला नमक स्वाद अनुसार। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई रखूँगी, उसमें पानी डाला है मैंने 1.5 गिलास के करीब और उस पर एक छन्नी रख दी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से और अब मैं ये घोल से यहाँ पे छोटे छोटे पैनकेक रख दूंगी इस तरह से और ये भाप में ही पकेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है कहीं भी, एक ऑयल फ्री रेसिपी है ये। ढककर और इन्हें 25 मिनट तक भाप में इसी तरह पकाना है। तो आप छन्नी या आपके पास स्टैंड है कुछ में भी आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो 25 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। और अब यहाँ पर मैंने तवे पर इसका पेनकेक भी बनाया है थोड़ा ऑयल लगा के इस तरह से। तो एक ही घोल से मैंने दो रेसिपी बताई है। यहाँ पे देखिए एक ऑयल वाला पेनकेक है और एक भाप में बना हुआ है स्टीम से, एक स्टीम से कुक किया हुआ है और एक इस तरह से। तो आपको दोनों में से जो पसंद आए आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इसे। इसको डाल के 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढक देना है जिससे कि वो भाप में अच्छे से पक जाए। और इसके बाद इसे थोड़ा सा ऑयल बाजू में आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बस मैंने ब्रश में लेके इस तरह से इसकी किनारों में साइड साइड इस तरह से घुमा दिया है जिससे कि निकलने में आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाया है और ये देखिए इस तरह से बन के तैयार है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑयल फ्री है मेरा, इसमें एक बूंद भी तेल का उपयोग नहीं किया है। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थे। और यहाँ पे इसको सिर्फ मैंने तवे को ग्रीस करके बनाया है, बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रयोग यहाँ भी नहीं किया है। मुश्किल से 2 बूंद तेल लिया होगा
और उससे मैंने ये दूसरा पैनकेक बनाया है। तो आप भी इसी तरह से बना के और एक बार ज़रूर ट्राई करें।